हेलो गाइस, वेलकम टू तेजी मंडी न्यूज़। तो गाइस, आज हम बात करेंगे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की अपकमिंग मूवी एवेंजर 4 के बारे में। आप सभी जानते हो कि इस साल हमारे सामने कई टाइटल आए और वो टाइटल काफी डिफरेंट थे, जिसपे की बिलीव करना पॉसिबल नहीं था। फिर भी मैं आपको वो तीन टाइटल बताता हूँ जो की आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है और इन फ्यूचर हमें वो देखने को मिले। तो सबसे पहला टाइटल एज ऑफ द अल्ट्रॉन में, जो कि स्कारलेट विच ने बोला था एवेंजर एनालिशियन, यानी कि एवेंजर का विनाश, जो कि अल्ट्रॉन चाहता है एवेंजर को। फिर उसके बाद दूसरा टाइटल गमोरा ने रिवील्ड करा डिज्नी एक्सपो में इन्फिनिटी गॉटलैंड, जो कि गॉटलैंड एक दस्ताना है, लोहे का दस्ताना जो कि थैनोस पहनता है। फिर इन्फिनिटी वॉर के एंडिंग में डॉक्टर स्ट्रेंज ने बोला एंड गेम। अब हमारे सामने एवेंजर इन्फिनिटी 4 के लिए तीन टाइटल सामने आते हैं। पहला टाइटल जो कि स्कारलेट विच ने लॉन्च करा था एनालिशियन, फिर गमोरा ने इन्फिनिटी गॉटलैंड, फिर एंड गेम। ये तीन टाइटल ऐसे हैं जिसपे बिलीव करना पॉसिबल नहीं है, फिर भी आपको इन फ्यूचर शायद इनमें से कोई टाइटल देखने को मिल जाए। अब आपके ऊपर है, आप कौन से टाइटल पे बिलीव करते हो। अब मैं आपको एक ऐसी चीज बताने वाला हूँ जो कि शायद आपको लग सकता है कि हाँ, ये चीज सच हो सकती है, फिर भी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप उस चीज पर बिलीव करो। तो सबसे पहले क्रिस इवांस, AKA कैप्टन अमेरिका, वो रोल प्ले कर रहे हैं कैप्टन अमेरिका का। उन्होंने इस चीज के लिए थैंक्स बोला ट्विटर अकाउंट पर और काफी दुखी होकर बोला कि मुझे बहुत अच्छा लगा, 8 साल के लिए थैंक यू। वो इस मूवी में मारे जाएंगे डेफिनेटली, इस ट्विटर के करने के बाद ये चीज कंफर्म हो गई थी। उसके बाद मार्क रफेलो ने एक चीज रिवील कर दी, वो था टाइटल एवेंजर 4 का। और पर उन्होंने जैसे रिक्वेस्ट करी जिमी से कि उस चीज को कट कर देना, फिर भी क्या हुआ, इस दुनिया में बड़े बड़े एडिटर बैठे हुए हैं, उन्होंने एक सॉफ्टवेयर का यूज करा जिसका नाम था अडोब ऑडिशन, जो कि फोटोशॉप और अडोब कंपनी के आते हैं। उन्होंने इस चीज का अच्छी तरीके से यूज करा और वो टाइटल निकला द लास्ट एवेंजर्स। अब लास्ट एवेंजर आपको मैं कंफर्म कर देता हूँ कैसे। आयरन मैन ने ट्विटर पर रिप्लाई में क्रिस इवांस को बोला, बहुत अच्छा लगा तुम्हारे साथ काम करके, थैंक्स बड़ी, इस टाइप का, और एक छोटा सा पोस्टर भी लॉन्च करा जो कि आप रिसेंट पे स्क्रीन पे देख रहे हो। अब आयरन मैन के साथ साथ अभी हाल ही में रिसेंट में 2-3 हफ्ते पहले एक कौन सा पार्ट रिलीज हुआ, आप सभी को पता है कि नैनो पार्टिकल्स का उसका जो सूट था उसमें काफी सारे नैनो पार्टिकल्स कम हो गए। अब वो टाइटन प्लेनेट पे फंसा हुआ है। अब इसके हाथ को, चेहरे को ध्यान से देखिएगा, जो कि नैनो पार्टिकल्स की हल्की सी परत है। तो उसका मतलब फाइनली ये लगता है कि हाँ, आयरन मैन ही वो दी लास्ट एवेंजर बचा हुआ है, और शायद ये टाइटल हो सकता है और वो फ्यूचर में जाएगा और टाइम ट्रेवलिंग का यूज करेगा और कैप्टन अमेरिका रिटर्न होगा। ये एक थ्योरी है, मैं कोई ऑफिशियल कंफर्म नहीं कर रहा हूँ। और ये लड़ाई होगी इन्फिनिटी स्टोन्स और गॉटलैंड के लिए, जो कि सभी एवेंजर्स लड़ेंगे थैनोस के लिए। और देन जब एंडिंग में सब कुछ सही हो जाएगा तो हमें बैक टू बैक पिक्चर मिलेंगी ब्लैक विडो, विंटर सोल्जर, हॉकआई, थॉर और भी डिफरेंट कैरेक्टर के। तो अब आपके ऊपर है कि 4 टाइटल हैं हमारे सामने, अब किस पे बिलीव करते हो, एनालिशियन, गॉटलैंड, एंड गेम, द लास्ट एवेंजर और देन कैप्टन अमेरिका के लिए। तो मुझे बहुत दुख लग रहा है। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करो। जो बंदे इस वीडियो को नहीं देख रहे हो, या तो उस पे आयरन मैन के हाथ मारो या पैर मारो, सब्सक्राइब करो। बाय बाय, जा रहा हूँ। और कुछ टाइटल हो आपके मन में तो बताना जरूर।